नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। और एक बात समझने की है कि शादी के बाद पत्नी के साथ जबरन सेक्स करने की अगर कोई सोचता है तो उसे ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि इस मामले में कोर्ट क्या कहता है। मैरिटल रेप यानी शादी के बाद पति द्वारा किए जाने वाले जबरन सेक्स, इसको लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आ गया है और बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। जस्टिस राजीव शकदर और जस्टिस हरिशंकर की डिवीज़न बेंच ने इस पर एक स्प्लिटेड वर्डिक्ट दिया है। मैं आपको बता दूं कि स्प्लिटेड वर्डिक्ट यानी कि दोनों जो जज हैं उनकी राय अलग है। जस्टिस शकदर ने कहा है कि मैरिटल रेप को अपराध न मानना असंवैधानिक है। उन्होंने आईपीसी की धारा 375 के सेक्शन 2 को हटाने की बात कही। वहीं जस्टिस हरिशंकर ने 375 के सेक्शन 2 को असंवैधानिक नहीं माना। हालांकि दोनों जजों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने को हरी झंडी दे दी है। यह है पूरा मामला और मैं आपको बता दूं कि आईपीसी का सेक्शन 375 रेप को परिभाषित करता है। इसके मुताबिक किसी महिला के साथ उसकी सहमति के बगैर संबंध बनाना, उसको धमका करके, धोखे में रख करके, नशे की हालत में उसको सेक्स के लिए राजी करना या किसी नाबालिग से संबंध बनाना रेप के दायरे में आएगा। इसे एक एक्सेप्शन है जो कहता है कि पति द्वारा पत्नी के साथ संबंध बनाना रेप के दायरे में नहीं आएगा। इसी एक्सेप्शन को हटाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। इसी साल जनवरी फरवरी में दिल्ली हाईकोर्ट ने में इन याचिकाओं द्वारा सुनवाई हुई थी। जस्टिस शकदर ने सवाल किया था, सवाल पे आप जरा गौर कीजिएगा, उन्होंने सवाल किया था कि ये एक विवाहित महिला के केस से इतना अलग क्यों है, ये एक अविवाहित महिला की मर्यादा को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन विवाहित महिला की मर्यादा को इससे कोई हानि नहीं होती, ऐसा कैसे? इसका जवाब क्या है? क्या वो ना कहने का अपना अधिकार खो देती है? क्या रेप को अपराध बनाने वाले 50 देशों ने इसे गलत समझा है? इस मामले में केंद्र सरकार ने कोर्ट में कोई स्टैंड नहीं रखा था, अपना कोई स्टैंड नहीं लिया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की 2008 और 2010 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि मैरिटल रेप को अपराध बनाने के लिए देश के क्रिमिनल लॉ में बहुत बड़े फेरबदल करने से कुछ नहीं होगा। केंद्र ने यह भी कहा था कि जब तक वो सभी स्टेक होल्डर्स यानी कि राज्यों, महिला आयोग आदि से सलाह मशवरा नहीं कर लेते, तब तक वो कोर्ट में अपना कोई भी पक्ष जो है वो साफ स्पष्ट नहीं कर सकते। सरकार के स्टैंड क्लियर ना करने पर जस्टिस शकदर ने केंद्र से कहा था कि उन्हें कड़ा फैसला लेना चाहिए, कड़ा फैसला लेना होगा और इस तरफ या उस तरफ अपना एक जो स्टैंड है, जो उनका एक माइंडसेट है, वो उन्हें स्पष्ट करना होगा। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि ये तय नहीं है कि सरकार इस डिस्कशन में कितना वक्त लेगी, ऐसे में चल रही सुनवाई को टाला नहीं जा सकता। और हाईकोर्ट ने 21 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें कि आज उसने कुछ बातों को क्लियर कर दिया है और उन्होंने ये कह दिया है कि इसको सुप्रीम कोर्ट में अपील इसकी की जा सकती है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अभी तक यही माना जाता था कि पति को हक है, कभी भी वो उसके साथ जबरन संबंध बना सकता है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें थोड़ी सी पाइपलाइन में है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने के काफ़ी नज़दीक है। आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा, आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूँगी जल्दी ही एक नए कंटेंट के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।